सेंचुरी पेपर मिल के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। कर्मचारी स्थायी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक नवीन दुमका भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कर्मचारियों की मांग के समर्थन में धरना प्रदर्शन स्थल पहुंचे और कहा प्रबंधन अपना अड़ियल रुख छोड़े। धरना प्रदर्शन पूर्व विधायक नवीन दुमका के शामिल होने से आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के आसार हैं। मिल प्रबंधन के अड़ियल रवैये से श्रमिकों में जबरदस्त आक्रोश और धीरे धीरे श्रमिकों के आंदोलन को समर्थन भी मिलने लगा है। हालांकि शुरू में आंदोलन की धार बेहद धीमी नजर आ रही थी, लेकिन उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बाद भाजपा के पूर्व विधायक नवीन दुमका के समर्थन में उतरने से यह आंदोलन बेहद धारदार होता नजर आ रहा है। सेंचुरी पेपर मिल की सबसे बड़ी सेंचुरी वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष देवकी नंदन सोयाल भी कई बार श्रमिकों के समर्थन में धरने पर बैठे। इधर 5 दिनों से अमरण अनशन पर बैठे पुनीत जोशी को प्रशासन ने उनके अत्यधिक स्वास्थ्य खराब होने पर एम्बुलेंस से हल्द्वानी अस्पताल भेज दिया है, जिसके बाद आंदोलनकारी ललित प्रसाद ने आज अमरण अनशन शुरू कर दिया। लालकुआ से मुन अंसारी की रिपोर्ट। सेंचुरी प्रशासन को भी, नागरिक प्रशासन को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम इन सेंचुरी के जो वर्कर हैं, इनके समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। कल भी बैठेगा, आज बैठे हैं, कल सुबह तय करेंगे आगे का कार्यक्रम क्या होगा। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, समझौता, बातचीत, सहयोग इन वर्कर से होना है। हम सब लोग आज जो हैं और कल यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि आए हुए थे।